नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी घर बना रहे हैं और मेन रोड के बगल में या जो चौखर होता है उसके ऊपर अगर आप भी टाइल्स लगवाना चाहते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेन डोर लगा है और इसके मेन डोर के पीछे जो कॉलम है या दीवार है उसके ऊपर भी टाइल्स लगा हुआ है, तो अगर आप भी इस प्रकार का काम करवाना चाहते हैं अपने घर में, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी गलती बताऊँगा जो कि इस प्रकार के टाइल्स लगाने से पहले काफ़ी दिक्कतें करता है। और क्यों होता है ये गलती, क्या काम हमको नहीं करना चाहिए, तो आज की वीडियो अगर आप पूरे देखते हैं तो आपका इस प्रकार का काम है आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत का। दोस्तों, होता क्या है, इस प्रकार का जो काम होता है, जो मेन डोर लगाए जाते हैं, चाहे वे आपका कॉलम में लग रहा हो या जो दीवार है जो उसमें लग रहा हो, उससे पहले जैसा कि जब ये मेन डोर लगता है उस समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर इसमें जगह नहीं छूटा हुआ है टाइल्स का या प्लास्टर का, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। दोस्तों, यहाँ पे तो आपका ये जो भी टाइल्स लगा है देखने में आपको ये लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे इसमें बहुत जो है रिपेयर का काम किया गया है और उसके बाद इस प्रकार से ये टाइल्स लगी है। कहने का मतलब है कि बहुत परेशानी के बाद ये जो टाइल्स है ये लगाई गई है, तो क्या क्या यहाँ पर हुआ है वह सभी चीज़ें मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वीडियो जो टाइल्स लगने की पहले की है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रिक वर्क हो रखा है 9 इंच का, और इस जो ब्रिक वर्क जो दीवार है उसी में ये जो मेन डोर है वे लगाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ब्रिक वर्क किया गया है, जो चुनाई किया गया है, उसको भी काटा गया है टाइल्स लगाने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब जो ईंट की चुनाई हो रखा है उसको ही काटा गया है, तो उसके ऊपर प्लास्टर का जगह है वे तो खैर बचा ही नहीं होगा। और ये जो मेन जो गलती है ये जब होता है, जब आपका कोई भी मिस्त्री अनुभवी नहीं हो या उनको इतना पता नहीं हो, या जो कॉन्ट्रैक्टर है वे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देता है, और जब ये मेन रोड लग रहा है उस समय प्रॉपर तरीके से जगह नहीं छोड़ते हैं और प्लास्टर का और टाइल्स का, तो ऐसा ही काम होगा। और अगर आपका डोर लग गया है और वहाँ पे जगह नहीं छूटा है, तो इसी प्रकार से आपका भी, चाहे प्लास्टर हो रखा है या टाइल्स लगा हो, चाहे आप नीचे से लगाते लगाते ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मार्जिंग नहीं है, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे जैसा कि तोड़ा गया है, ये घर बनने के बाद प्लास्टर होने के बाद जब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हॉल में सभी टाइल्स लगने के बाद, जब यहाँ पे जो मेन डोर के बगल में जब टाइल्स लगाने की बारी आई, तब पता चला कि यहाँ पर मार्जिंग नहीं है। हालाँकि दोस्तों, ये चीज़ें जो काम करते हैं उनको पता होता है और इस प्रकार की गलती होता है, तो इनको पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को या मिस्त्री को समझना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि टाइल्स की और प्लास्टर की कितना हमारे को जगह चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं काम होने की वजह से इस प्रकार का काम होता है। तो आप जैसा यहाँ पे देखेंगे तो सभी हॉल में टाइल्स लग गया, जब यहाँ पे टाइल्स लगाने की बारी आई तब पता चला कि यहाँ पे मार्जिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो भी ऊपर से जो निकला हुआ था बाहर की तरफ जो यहाँ पे दीवार, उसको काट कर प्लास्टर को झाड़ कर और फिर बहुत ही कम सीमेंट के साथ यहाँ पर लगाया गया है टाइल्स। तो दोस्तों, अगर आपका भी कुछ ऐसा ही काम है, तो आप जो आपका डोर लग रहा है उसी समय ध्यान दें और ये कोशिश करें कि जो भी टाइल्स का और प्लास्टर का जितनी जगह होनी चाहिए उतना जगह छोड़ा जाए पहले ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे लिखें। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद।